हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। रकून भी आपका हेलो बोल रहा है। सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग होने वाला है विद समांता। और आप लोग बोल रहे होंगे कि घर में इतनी शांति क्यों हो रखी है, सुबह सुबह का टाइम हो रखा है, 10:30 हो रहे हैं। हेलो बोलो। हेलो गाइस। चुपा चुप चबाती हुई लड़की बबल गम वाला। तो कौन सा फ्लेवर है ये भी बता दो। चेरी फ्लेवर। चेरी फ्लेवर। तो मैंने स्नैकर खा ली थी। क्या है? रकून और रैबिट। टीटी। तो बैठो। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि ईशा कहाँ है, फिर वो बताती हूँ आप लोगों को। ईशा जा रखी है हॉस्पिटल, क्योंकि उसके आपने बहुत से व्लॉग्स में देखा होगा, उसके फेस में अजीब सी एलर्जी हो रही है, पिंपल्स। वो तो पिंपल्स सभी को आते हैं अपने, जैसे एज बढ़ती रहती है, लेकिन वो अजीब सी एलर्जी पूरे फेस पे हो गई है। तो उसके लिए हॉस्पिटल जा रखे हैं। ऊपर से तेजस्वी ना सिक्स एंड हाफ मंथ की वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इतनी एज में तो बच्चे के सर से सारी गंदगी हट जानी चाहिए ना, लेकिन कुछ अजीब सा उसके सर में भी हो रहा है, येलो येलो सा। तो उसके लिए भी चेकअप कराने गए हैं। और मम्मा के भी राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हमसे हमारी चोटी भी नहीं बनाई जाती, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसके लिए भी गए हैं। और उनके साथ कौन कौन गया है? तीनों के साथ चाचा और मामा, मतलब इसके पापा, मेरे पापा और प्रवीण चाचा और मेरे मामा, मेरे पापा, इसके मामा और एक चाचा गए हैं जो कि दोनों के तो वो हमने कैब भी बुक करवा ली थी, मतलब पापा ने की थी, तो वो चले गए हैं। अभी घर में आपको दिखाती हूँ क्या हालत हो चुकी है। ये है मम्मा पापा का बेडरूम, ये वाला बेड फिर भी ठीक है। हमारे ऊपर अब मैं आपको इस वाले रूम की हालत भी दिखा लेती हूँ, देख लीजिएगा इस कितना अच्छा हो रहा है रूम। इसे साफ कौन कर सेगा? मुझे करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। ये है मम्मा पापा के बेड की हालत बिफोर। सो गाइस, यहाँ पे ना हमने, ये आप लोग देख सकते हो, ये क्रीम रोल बनाया है रजाई का, ब्लैंकेट का। अब हम देखो क्या करेंगे। ओके, रकून नीचे करो, बनी नीचे करो, बनी। ठीक है, तो 3 2 1 2 देखो फिर से एक और मोमेंट। मम्मी बहुत मजा आ रहा है, तो हम सफाई भी कर रहे हैं लेकिन मस्ती भी कर रहे हैं। ठीक है, वरना घर में कोई है नहीं है, सन्नाटा अच्छा। और अब हम छत पे भी जाएंगे, फ्रूट्स भी खाएंगे, मस्ती भी करेंगे, स्कूल का काम भी करेंगे, 2 दिन से छुट्टी भी करेंगे। हाँ, क्रिसमस की प्रैक्टिस, और 2 दिन से हम छुट्टी में चल रहे हैं, स्कूल के एप्लीकेशन भी लिखेंगे। महारानी की तो छुट्टियाँ पड़ चुकी है 15 से, हाँ इनकी 28 से पड़ेगी। सो लेट्स गो स्कूल, नहीं काम करने के लिए। आफ्टर ये फाइनली वी गॉट इट। बहुत ज़्यादा पंक्तियाँ कर करके हमने ये बेड संभाला है, जिसमें भी रजाई का कुछ अलग ही सा लुक आ रहा है, ढांचा टाइप लग रही है, फिर भी तेजस्वी का बेड ये है छोटा सा। एंड दैट्स इट, ये सिराना साफ हमसे होगा नहीं, तो चलो चलते हैं। फिर भी गाइस, जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम करे जा रहे हैं। देखो अभी बाल भी बनाने बहुत मैसी हो रहे हैं। सो गाइस, फिर भी हमने सिराना थोड़ा बहुत साफ कर दिया। आप लोग बोल रहे होंगे कूड़ा क्यों रखा हुआ है, ये हमें बटोल के रखना पड़ता है, क्योंकि कितने भी महंगे खिलौने ले आओ ये तेजस्वी कभी नहीं छोड़ती है, उसे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बच्चों का एक क्रेज रहता है पॉली वगैरह से खेलना। वो इतना अभी जानती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बहुत मज़ा आता है। फिलहाल ये जो कपड़े छोड़ के गए हैं इन्हें हम बाहर वाले रूम में रखेंगे। समांता और मेरे मफलर जैसे ही पड़े हुए हैं यहाँ पे, रख रहे हैं हम इन क्लॉथ्स को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ले बहुत सारा सामान छोड़, हाँ, और ये पापा जी भी छोड़ के गए हैं। ईशा का सामान तो यहीं पड़ा था, कहाँ चला गया? गाइस, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अभी झाड़ू बर्तन सब पड़ा है। हम ना यहाँ पे जुराबों की पोटली, अपनी सॉक्स बास्केट लेके बैठ गए थे, इसे पूरा सेट कर दिया है। और लेकिन टाइम आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे टाइम 11 बज गए हैं, 10 बजे के निकल रहे थे। चलो फिर अभी आगे कभी करते हैं सेट। गाइस, ये ईशा और मेरे रूम में अंदर मम्मा पापा के बेडरूम का ये आ गया है पिलो। हाँ, बस इन्हें यही रखना है, ये मैं रख दूंगी। गाइस, समांता ने भी मेरी काफ़ी हेल्प कराई है, अ बिग थैंक्स टू समांता। लग गया है पिलो। मैं तभी सोच रही थी समांता बेड अधूरा सा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें पिलो नहीं लगाता।
अब ये बेड एकदम पूरा लग रहा है, ये बेड तो ऑल्सो पूरा ही है। चलो फिर, इट मीन्स कि मम्मा पापा का बेडरूम एकदम डिक्लेटर हो गया है बेड। चलो अब हम तीनों का रूम सेट करते हैं भाई। सो यहाँ पे एक और रजाई मैंने लगा दी है, ब्लैंकेट हार्ट शेप वाली। यहाँ पर ये लड़की मेरी बहुत साथ दे रही है, थैंक यू सो मच, वेलकम। थक गए हम, रकून और बनी, रकून और बनी की हालत डॉग जैसी हो गई है। नाउ दिस रूम इज लेफ्ट टू क्लीन इट, सो लेट्स क्लीन इट। या आना जी, वो गाइस हमारे काम थोड़ा ये पहले से ही याद, हाँ सही थी, हाँ थोड़ा सा इजी हो गया ये पहले से, हाँ थी। चलो मैं भी कराती हूँ गाइस। लड़की ना बर्तन धुलने गई और अगर इसने धुले होंगे मैं से बहुत पकड़ के मार। फिर गाइस लड़की को देखो, इधर आ जा भाई, आज अगर इसने धुले ना आज बताती हूँ, आ जा समानता, आ जा। नहीं 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 समानता आना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो गाइस मैं कसम ना वाले रेड क्रॉस। हम गाइस कसम वसम कुछ नहीं मानते, अभी लेके आओ इस लड़की को, रुको हाँ आप लोग यहीं रहना। क्या करूंगा इस आदत से मजबूर लड़की। ये नलका बेटी चले रहे, मेरे हाथ टूट गए ऐसे खींच खींच के, पर आने के नाम नहीं ले रही, मैं झाड़ू मार लेती हूँ। हम दोनों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, इतनी खस्ता क्या आने वाला हम बस, ऐसी हालत हो चुकी है। छत पे जाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, एनर्जी लेंगे। देखो गाइस ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि वो किचन में है और मैं झाड़ू मारूं, तो मैं यहाँ पे स्लिप वगैरह गैस वगैरह साफ करती हूँ, इसके साथ हेल्प कराती हूँ। सो गाइस ब्रेकफास्ट तो हो गया है, देखो गैस स्टोव कितना गंदा हो रहा है, साफ करते हैं चलो। सो गाइस ब्रिंजल मैंने डाल दी है इस पे, इसे भी मैं सेट करती हूँ कहीं पे। यहाँ पे सामान तो बर्तन धो रही है, मैं यहाँ पे सारी सफाई कर रही हूँ गाइस। किचन सबसे अच्छा है, यहाँ पे काफी लगता है यूनिकॉर्न वन, देखो सब प्यारा है यार। ये ना टैप चले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ये पानी का वाटर है, लेकिन पानी की वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए इतना मुझे पता है, लेकिन फिर भी यार ये काफ़ी टाइम तक आता है ये वाटर, तो इसलिए उसे चला रहे हैं, मेरे में भी कोई वो नहीं है। यहाँ पे मैंने पूरी स्लेब साफ कर दी है, गैस स्टोव वगैरह साफ कर दिया है, समानता और मैंने मिल के अभी मैं इसे वॉश करूँगी। समानता प्लीज़ गेट अ साइड। यार मम्मी लोगों से ये तो मैं कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ किचन की साफ रखने के लिए थैंक यू, हमें साफ रखने के लिए थैंक यू, हर एक मदर, क्योंकि यार बहुत हर काम हमारा हमारी मदर्स करती है, आप लोगों को भी पता ही होगा क्योंकि यार सबके पास मदर होती है। चलो तो आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, 9 मिनट का व्लॉग हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विदाउट एनी इश्यूज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। वी कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। बनी से भी बाय कर लो, बाय 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 बाय।